अब मैं आ गई किचन में चाय गर्म करने के लिए। पतिदेव का हो गया योगा और मैंने पतिदेव से कहा उठ के चाय सिर्फ छान लाओ। बोलते हैं मैंने योगा किया है। अरे मैंने भी तो योगा ही किया था पर नहीं। चलो चाय दे देते हैं पतिदेव को। ले आई हूँ चाय, हम पी रहे हैं चाय और ये खा रहे हैं मट्ठी। इनकी अब फेवरेट हो गई है, दो तीन दिन से मट्ठी है। वैसे ब्रेड वगैरह भी खा लेते लेकिन अब मट्ठी। और लाला खेल रहा है गेम। लाला क्या खेल रहा है? लाला दिखा तू जरा कौन सा गेम खेल रहा है। लाला दिख नहीं रहा, अब दिखा दे इधर को दिखा। वो गेम में मगन है। ऐसा मत सोचना कि वो ज्यादा गेम खेलता है, बस थोड़ा दो मिनट के लिए खेलता है। दृष्टि का तो तब भी फोन का ज्यादा है लेकिन लाला का नहीं है। लाला बस दो मिनट खेल के रख देता है फोन। उसका इतना नहीं है कि उसे हर समय फोन 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 होगा, पर ऐसा नहीं है। चलिए तब चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं, बाय बाय। चलिए तो बस अभी मैं जस्ट चाय पी के फ्री हुई हूँ और करूँगी घर का काम, थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, फिर अपना देखती हूँ। आज करेले बन ही जाएंगे तो करेले बनाऊँगी। और देखो घर पूरा भी गंदा पड़ा है, सारा फैला पड़ा है सारा, मतलब कितना भी तुम समेट लो ना, बच्चों के घर में रहते हुए ना तो घर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बस मैं अभी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, पोछे लगाऊंगी, पूरे क्लीन करूंगी और देखती हूँ या तो नहाने से पहले आपसे मिलती हूँ या नहा के मिलती हूँ। जैसे चलिए बस अभी मैं नहा धो के मंदिर चली गई थी। मंदिर के बाद मैंने अपना जो भी करेले की रेसिपी शूट की थी, जो दो दिन से ऐसे ही हो रहा था कि बनाऊंगी लेकिन आज मैंने बना दी फाइनली। तो करेले की रेसिपी आपको इस ब्लॉग से पहले मिलेगी तो वो आप चेक कर लेना। मैंने सोचा कि अब ना पता क्या क्या करूँगी कि ना रेसिपी जो होंगी ना वो अलग डाला करूँगी, ब्लॉग जो है वो अलग डालूंगी, क्योंकि क्या होता है ना वो मिक्सअप हो जाता है। जिसको रेसिपी देखनी है वो अलग से देख सकता है और जिसको ब्लॉग देखना है वो अलग से देख सकता है, तो कभी मिक्सअप कुछ नहीं होगा। तो बस अभी करेले बन चुके हैं, आटा मार के रख दिया मैंने, बस चपातियाँ बनाऊंगी तो उसका क्या दिखाना, डेली चपातियाँ क्या दिखाना। और बस नहा धो के तैयार हो गया। आज मैंने लगाई है बड़ी बिंदी, सब कहते हैं टोकते थे बड़ी बिंदी लगाया कर, लेकिन फाइनली मैंने आज बड़ी बिंदी लगा ली। और लाला देखो ये भगते हुए लाला हो गया। क्या लेने आया लाला? टॉवल। अच्छा पापा के लिए टॉवल लेने आया है ये, तो लाला लो टॉवल। लाला नहा लिए? लाला के तो मजे आ रहे हैं क्योंकि इसको स्कूल ही नहीं जाना पड़ रहा, छुट्टी। तो कल से बच्चे भी स्कूल जाएंगे और क्या कहते हैं, चलो अब मैं खाना वाना बनाती हूँ, चपातियाँ बनाती हूँ, तो उसका क्या दिखाना, क्योंकि वो डेली पहले भी बोला था मैंने अच्छा नहीं लगता। तो चलिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी बस खाना वाना खा के हम फ्री बैठे हैं और पतिदेव का भी फिर काम स्टार्ट हो गया है। कल रात को 12 बजे तक किया था और अब फिर सुबह उठ के फिर वही काम हो गया, क्योंकि इनके आने वाले मीटिंग की वजह से बस ये लगे पड़े हैं काम में अपने। और मैं यहाँ बैठी हूँ, लाला यहाँ खेल रहा है गाड़ी से, दृष्टि अपना अंदर टीवी भी देख रही है। और बस देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। आ रही है नींद, आँखों में थोड़ा दर्द सा हो रहा है तो नींद आ रही है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर, बस सो के उठूँगी उसके बाद मिलती हूँ चाय टाइम पे। गाइस तो मैं बस अभी शाम में 4 बज गए हैं और मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय। मैं गई थी सो के बिना, थोड़ी थकावट सी हुई, यही बोलूँगी क्योंकि थकावट हो जाती है और आंखें मेरी ऐसी सूज सी रही है, पता नहीं क्यों सूज रही है। तो बस मैं सो गई थी 5-10 मिनट के लिए और पापा ने जब खाना नहीं खाया था, हम लोगों ने खाने देखे और बाहर गए थे, मैं सो रही थी, शायद पतिदेव ने खाना दे दिया था क्योंकि उनका भी काम रह रहा है। तो बनाते हैं अभी चाय। क्या है? और ये देखिए मैं बना रही थी चाय और उधर धो रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन थोड़े से हो गए थे। मैंने कहा जब तक चाय बन ले जब तक बर्तन धोए थे, और हमारी गैस हो गई खत्म। सुनो गैस खत्म हो गई, चलो सिलेंडर लगाओ। अभी सिलेंडर लगाएंगे जब बाकी की पकेगी। चलो जल्दी सिलेंडर लगा दो, खड़े हो जाओ। लाला लेटा है, बैठ गया लाला, तो बैठा है लाला। तो मैं आई थी भी वॉशरूम करके, जब तक सिलेंडर में लग गया और गैस भी चालू हो गई है हमारी, तो बन रहे हैं आप चाय, तेज कर देते हैं, कम करके चले गए हैं। और आज का देखते हैं क्या प्लान है, क्या बनेगा शाम को खाने में। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, क्योंकि सब्जी हो गई है ख़त्म और कल मंडे मार्केट है, तो जहाँ तक है कल लेके आऊँगी मैं सारी सब्जियाँ। और देखते हैं फिलहाल एक चाय पक जाए और कल से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का, तो स्कूल का भी काम होगा, मतलब सुबह तैयार करके भेजो फिर दोपहर में लेके आओ, फिर थोड़ी ज़्यादा थकावट हो जाएगी। दो तीन दिन से तो क्या था स्कूल नहीं जाना था तो इतना कुछ था नहीं,
लेकिन अब ज्यादा हो जाएगी। अरे चाय हर पक चाय बनने में भी टाइम लगता है यार, बन जा जल्दी बन जा। बन रही है चाय, बच्चों को दे दिया मैंने दूध और ये पी रहे हैं। दूध की ये कुछ खाते नहीं है, खाने में नखरे देते हैं। क्यों नखरे देते हो खाने में आप? तो क्या चीज अच्छी लगती है सारे दिन है? और ये देखिए पूरा फैला दिया है फिर से, मतलब मैं कितना भी समेट लू उनका फैलना ही है। कोई नहीं यार, बच्चे हैं, बच्चे होते हैं घर में तो काम तो फैलना ही होता है। हम लोगों ने भी तो फैलाया ही था। इन्हें लाला कौन पहले पिएगा दूध, देखते हैं। जल्दी जल्दी फिनिश करो लाला। आपको अच्छा लगता है दूध? नहीं अच्छा लगता? क्या अच्छा लगता है आपको दूध? चीज हाँ लाला, एक बार तकपली तकपली कर देना, नहीं करना। चलो तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, हम पीते हैं अपनी चाय क्योंकि हमारी बन चुकी है, उसे छान के पीते हैं। हाँ अरे वाह, ये देखिए लाला ने तो फिनिश भी कर दिया। वाओ, हाँ कल रात को तो दृष्टि ने फिनिश किए थे, अभी लाला ने फिनिश कर दिया ना। लाला लाला आप जीत गए, अब आपको क्या मिलेगा? आप बताओ क्या चाहिए आपको? चलो चलिए, हमारी चाय आ गई है, आनी गई है, खुद ही बनाई है चाय। सेम टाइम वही काम, हर समय काम काम काम। तो एंजॉय करते चाय, बाद मिलते हैं आपसे। आपको पढ़ाई तो करनी नहीं है ना? काम भी करना, क्यों नहीं काम नहीं करना, कल स्कूल जाना है। काम लालो को बुला के लो। लाला क्या कर रहा है? ऋषि लाला क्या कर रहा है देखना। लाला क्या कह रहा है? ठीक है पापू। लाला पानी लेके कहाँ जा रहा है? बाबा के हाथ धुलाने को। बाबा के काय के हो गए हाथ? कह जा रहा है। गाइस देखिए, दो दिन से ये काम में ही लगे हैं, इतना बिजी तो पीएम मोदी भी नहीं रहते होंगे जितना बिजी ये रहते हैं। हैं ये साल हो जाएगा काम या नहीं होगा? हैं अब क्या कर रहे हैं? अभी भी काम। जब से मैनेजर बने इनकी बच गई है बैंड। सच में जितनी जितनी बड़ी पोस्ट होती थी उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ती है ना। वैसे पहले तुम्हें क्या लगता था कि मैनेजरों का क्या काम होता ज्यादा है? अब जब तुम बन गए तब तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा तो मैनेजर ही काम करते हैं। चलो इनका तो काम लगा रहेगा, मेरी अभी भी चाय खत्म नहीं हुई, बची है, पी रही हूँ। पहले बताओ तो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अच्छा चलो बताओ, बस अरे बस नहीं अभी
ना मेरा परमानेंट किया हो गया है जहाँ मैं बैठ के सब कुछ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बड़ा रिलैक्स लगता है, सोफा है आराम से बैठ जाओ। क्या हो गया? लग गई ना, देखो लग गई ना। नहीं लगी, नहीं लगी। लग कुछ बोलना है, बोलो इसमें कुछ बोलना है कुछ तो। अभी पावर दिखा ले, सही से बोलो आके। अभी पावर दिखा रहा हूं मैं। तो पावर तो आप खाते पीते तो कुछ होगी, कुछ खाओगी पियोगी जब भी तो पावर आएगी। ये रहा आप बताना गाइस। देख सुन विस्की, बच्चों को खाना खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए ना, और इसे बताइए कि इसे दूध पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, वो ये खाती नहीं है। देव ले आए मोमोस। यही मेरी डाइटिंग नहीं होने देते, वैसे तो मेरी हो भी जाए एक बार तो सोच लो मैं। हैं क्यों पति देव? अरे मम्मा थोड़ा बाहर जा रही है, तो मुझे बहुत बोल जाए। अंदर कहाँ जा रही है, यहीं आ जाओ। अरे चलो अन्ना, ये खा रहे हैं अभी मोमोस। लाला क्या खा रहे हो? लाला खा रहे हैं मोमोस और मैं भी खा रही हूँ। दृश्य लेटिए बेड पे, तुम खा के फिर बिल। हेलो, तो अब हो रही है शाम के बज रहे हैं 7:15 और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे, क्योंकि फरमाइश आई है कि आलू के परांठे खाने हैं। बारिश हो रही थी तो बारिश के मौसम में सबका मन है आलू के परांठे खाने का, तो चलिए देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ आलू के परांठे। दिखाओ तो। हाँ बस पहले से बेल लीजिए। वैसे तो सबको आते होंगे आलू के परांठे बनाने, लेकिन जो नए हैं जिन्हें कुकिंग नहीं आती वो सीख सकते हैं। आटा कम लेना और इसी पिट्ठी को थोड़ा ज़्यादा लेना। याद रहे आटा आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट होगा तो परांठे फट जाएंगे आपके। इस तरीके से तो इसको आटे में लपेड़ेंगे हम अच्छे से, हल्के से प्रेस करेंगे ऐसे हाथों से। अब याद रखिएगा हल्के हाथों से बेलन चलाना है हमें। थोड़ा फटेगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा घर का आटा है, गांव का, गेहूं का, तो इसलिए थोड़ा फट सकता है। बट आप यहाँ के आटे से करोगे ना, क्योंकि वो बहुत पतला होता है तो इससे नहीं होगा, बारीक होता है। ये देखिए पहला परांठा तो थोड़ा बहुत फटेगा, कोई नहीं। अब देखिए परांठा हमारा दूसरी तरफ से सीख चुका है, तो आप इसे घी में, तेल में, किसी में भी बना सकते हैं। मैं इसे बना रही हूँ घी में, अच्छे से लगाइएगा। अगर आप घी अवॉइड नहीं करते, वैसे घी हेल्दी होता है, अनहेल्दी तो रिफाइंड होता है। अगर घी से बना के खाते हैं तो हेल्दी होता है, ना अनहेल्दी तो होता नहीं है। जिसको मना है घी से, हार्ट पेशेंट है, वो तेल में बना सकते हैं। अब इसे बनने देते हैं, अच्छे से सिक रहा है। अब दूसरी तरफ पलट दिया, ये देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। बस अब इसे अच्छे से कुरकुरा होने देते हैं। अच्छे से हम दबा के सेकते हैं, अगर आपको दबा के सेकना नहीं पसंद तो आप ऐसे भी सेक सकते हैं। आप इसे कैसे भी परांठे को बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे। और आलू के परांठे बरसात के मौसम में तो अच्छे लगते हैं, सर्दियों में अच्छे लगते हैं, आप बना सकते हैं। और बस आज तक का ब्लॉग मेरा यही था। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं डिटेल में अच्छे से बताऊँगी। परांठा हमारा बनके तैयार है। तो अगर आपको ये परांठे की रेसिपी फुल डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल में इसकी रेसिपी बताऊंगी। और बस यही मेरी एंड इस वीडियो की लेती हूँ मैं एंडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है या फिर और कुछ कमी है आप मुझे बता सकते हैं।
अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।